शोर नहीं करो भाई, बाद में नहीं करेगा। विद्यार्थी अपने फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर के रिजल्ट के लिए प्रदर्शन करते रहे हैं, परंतु यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा सिर्फ आश्वासन पर आश्वासन दिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी महत्वपूर्ण कदम क्लस्टर यूनिवर्सिटी के अधिकारियों द्वारा नहीं उठाया गया जो कि विद्यार्थियों के हक में हो। जो कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी जब यहाँ पर आते हैं और तो वाइस चांसलर सर कहते हैं कि वो कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएंगे जो कि यूनिवर्सिटी के स्टैचू के खिलाफ होगा, परंतु कल की जो UGC की गाइडलाइन है वो ये कहती है कि जितने भी विद्यार्थी प्राइवेट वाले हैं उनको वन टाइम एक्सेप्शन के साथ उनका रिजल्ट आप अपडेट कीजिए। तो हमारा एक प्रश्न आपके चैनल के माध्यम से ये रहेगा, क्या क्लस्टर यूनिवर्सिटी UGC से परे है जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के लिए सेम नोटिफिकेशन नहीं निकाली? जब जम्मू यूनिवर्सिटी के अंडर 126 कॉलेज आता है तो वो निस्संदेह विद्यार्थियों के हक में नोटिफिकेशन निकाल सकती है, तो UGC के अंदर आने वाला क्लस्टर यूनिवर्सिटी सेम नोटिफिकेशन विद्यार्थियों के लिए क्यों नहीं निकालता? क्या जम्मू के विद्यार्थियों के हक में केवल और केवल प्रदर्शन रह गए हैं कि वो हर विषय को लेकर जम्मू का विद्यार्थी चाहे वो एडमिशन हो, रिजल्ट हो, एग्जाम हो, सिलेबस हो, हर विषय पर प्रदर्शन करे? सेम क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर में भी है, सेम UGC जो है श्रीनगर में भी फॉलो की जाती है, परंतु एक ही जगह पर एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही गाइडलाइन के रहते हुए भी विद्यार्थियों के साथ मतभेद क्यों, जब यूनिवर्सिटी के प्रशासन द्वारा ये कहा जाता है कि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है? अब तो सर आपके पास अथॉरिटी भी आ गई, UGC ने अपने गाइडलाइन में मेंशन तक कर दिया, तो आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? क्या विद्यार्थियों के प्रदर्शन करने के बाद ही विद्यार्थियों का मसला हल किया जाएगा? आपके चैनल के माध्यम से हमारी यही मांग रहेगी कि जो सेम नोटिफिकेशन जम्मू यूनिवर्सिटी ने अपने एफिलिएटेड कॉलेजेस के लिए निकाली है UGC के गाइडलाइन के अंदर, वही सेम नोटिफिकेशन क्लस्टर यूनिवर्सिटी भी अपने विद्यार्थियों के लिए निकाले। धन्यवाद।